हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एमएस वर्ड 2007 से क्लास नंबर 29। और क्लास नंबर 29 के अंदर आज हम अपने मेन्यू में देखेंगे रेफरेंस टैब के फुटनोट्स ऑप्शन को। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स तक आपको कंटेंट कवर करा दिए हैं, आज हम अपना फुटनोट्स ऑप्शन को कवर करेंगे। इसको मैं बहुत आसानी से और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एंड नोट, फुट नोट और यही सारी चीज़ें कि कैसे क्या इनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो सबसे पहले हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ये हमारी फाइल हमें दिख रही है। यहाँ पर हम एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ये हमारे पैराग्राफ आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इनको दोबारा से रिपीट करना है। हमने इसे कॉपी किया और ये तीन चार पेज में हमने इनको पोस्ट कर दिया। ये देखिए, ये हमने इनको पोस्ट कर दिया है और टोटल पेज आप देखेंगे, टोटल चार पेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपने चार पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को आपने चार पेजेस पर फैला लिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कि ये फुटनोट होते क्या हैं। फुटनोट होते हैं जैसे कि आप इस पहले पैराग्राफ में आपने जो भी डिस्क्राइब किया वो किस पर्सन को इंडिकेट कर रहे हो आप, या किस पर्टिकुलर सेक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो, तो या ये पैराग्राफ किस बारे में स्पेशली लिखा गया है, आप उसको एक स्पेशल नोट के जरिए दिखा सकते हैं। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम इंसर्ट करना। सबसे पहले ये जैसे हमने पैराग्राफ लिया था, इस पैराग्राफ के एंड पर आकर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और इंसर्ट फुटनोट पे चलते हैं। जैसे ही आप इसे करेंगे तो पहले पेज के सबसे नीचे बॉटम पे आपको एक नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं पेज 1 फर्स्ट फुट नोट, यानी कि ये आपका पेज नंबर 1 पर आपका पहला फुट नोट है, ठीक है। चलिए वापस ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका 1 लिखा हुआ आ गया है। अब आप इस सेकंड पैराग्राफ के एंड पे जाइए, इंसर्ट फुट नोट कीजिए। अब यहाँ पर आप लिखिए पेज 1 फुट नोट 1, तो फुट नोट 2। ये आपने सेकंड फुट नोट एंटर कर लिया है, ये आपका सेकंड फुटनोट। और जब आप ऊपर आके देखेंगे अपने डॉक्यूमेंट में तो आपको सेकंड पैराग्राफ के बाद 2 नंबर लिखा हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए, ऐसे ही आप कितने भी फुटनोट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेज 1 थर्ड फुटनोट। इस तरीके से आप कितने भी फुटनोट्स अपने पेज के एंड में यूज कर सकते हैं। ये देखिए, तीसरे पैराग्राफ के बाद आपको यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ दिखाई देने लगेगा। ये देखिए, 3 नंबर लिखा हुआ आ गया है। अब एंड नोट क्या होता है, देखिए फुटनोट का मतलब होता है करंट डॉक्यूमेंट, मतलब करंट पेज के नीचे की साइड में आपको कुछ सिंबल्स दिखेंगे। ये देखिए, जैसे इस तरीके से, तो ये हर एक पेज के नीचे आपको फुटनोट दिखाई देता है। अब ये एंड नोट क्या होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप एट लास्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट एक एंड नोट एंटर कर सकते हैं। यहां पर मैं एक एंड नोट एंटर कर रहा हूं। देखिए, ये पेज नंबर 4 पर आप आ चुके हैं। जैसे मैंने एंड नोट को क्लिक किया, आप सबसे लास्ट पेज पर आ चुके हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं दिस इज फर्स्ट एंड नोट, और आपका ये डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में। देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा फोर्थ पेज नंबर था, ये थर्ड पेज है, ये सेकंड पेज है और ये फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज पर आपने फुटनोट एंटर करे थे वो ये रहे आपके, और आपके फुटनोट्स यहाँ पर डिस्प्ले भी कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन है आपका फुटनोट का। चलिए अब एक काम करते हैं, हम सेकंड पेज पे चलते हैं। सेकंड पेज पर हम यहाँ, ये फर्स्ट पेज है हमारा, हम सेकंड पेज के ऑप्शन में चलेंगे और ये हम यहाँ पर सेकंड पेज पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर इस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम एक और फुटनोट एंटर करते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे पेज 2 फर्स्ट फुटनोट। ये हमने फर्स्ट फुट नोट एंटर किया और इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड फुट नोट एंटर कर रहे हैं, और ये रहा हमारा सेकंड फुट नोट ऑप्शन। तो ये हमारा पेज, ओहो, यहाँ पर हम फुट नोट इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे पेज 2 और यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड फुट नोट। देखिए, आपने बहुत सारे फुटनोट अब यहाँ बना लिए। टोटल इस डॉक्यूमेंट में फुटनोट 5 यूज कर चुके हो। तो देखिए, फुटनोट का नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है और किस पेज पर है, हमने वो सब लिख लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर
सपोज आप पहले पेज पर हैं और आप नेक्स्ट फुट नोट देखना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको पहला फुट नोट दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट, अब आपको दूसरा दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट, आपको तीसरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप इसे सफल भी कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस, आप पहले वाले पे जाना चाहते हैं प्रीवियस फुट नोट पे, तो आप वो देख सकते हैं, नेक्स्ट फुट नोट के लिए आगे आ सकते हैं। और शो नोट्स, ये आपके क्या चीज़ देखना चाहते हैं आप, एंड नोट देखना चाहते हैं सारे या सारे फुट नोट देखना चाहते हैं। अभी हम सारे एंड नोट देखना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करता हूँ और ये सारे एंड नोट, जितने एंड नोट आपने लिखे होंगे वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में आपको दिखाई देंगे। शो नोट्स को दोबारा कीजिए, फुट नोट एरिया दिखाना चाहते हैं आप, क्लिक कीजिए, ये आपका पेज नंबर वन का है, ये पेज नंबर वन का फुट नोट एरिया आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपने अपना फुट नोट सेक्शन को कवर किया, जो रेफरेंस मेन्यू के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सिटेशन और बाइब्लियोग्राफी कराऊंगा, तो चलिए इस क्लास की प्रैक्टिस यहाँ तक कीजिए, तब तक के लिए बाय।